देश की पार्लीमेंट में कई सिख चेहरे ने पर सिखां दी गल शायद सिमरनजीत सिंह मान तो इलावा कोई नहीं करता। सोशल मीडिया जरिए सरदार सिमरनजीत सिंह मान ने सुखबीर बादल ते उन्हां दी पत्नी बीबा हरसिमरत कौर बादल दा अपने पंथ लई किन्ना कु प्यार है इस बारे गहराई नाल जिक्र किया है। कुदरती जो मैं पार्लीमेंट दे विच सीगा उत्थे बादल दल दे प्रधान सरदार सुखबीर सिंह आ गए, उन्हां दे नाल उन्हां दे सत्कारयोग धर्मपत्नी हरसिमरत कौर जी भी सीगे। उन्हां दे ध्यान दे विच भी लिआंदा ते उन्हां ने कहा असी बहुत फिक्रमंद है। मैं कहा फिर आपां बूआ खोलदे हैं, क्यों करके पार्लीमेंट दे हॉल तो बाहर ही असीं गल्लां कर रहे सीगे। मैं कहा आओ चलिए हुण फिर यह मुद्दा उठा दीए, ते कहिंदे इह सानूं पता लै लैंदो माहौल दा। ते मैं कहा जी माहौल दा पता कर लो तुसीं, ते इह जाके अगे अपनियां सीटां ते पार्लीमेंट दे विच बैठ गए। मैं जाके इन्हां दे पिछे बैठ गया, पर मैनूं उदों पता लग्गिया कि जदों सरदार ते सरदारनी बादल बाहर नूं जाण लगे, स्पीकर दे कमरे च चले गए, फिर सरदार MP जिहड़े साडे फतेहगढ़ साहब है उन्हां नूं मैं पुछिया सरदार अमर सिंह नूं कि हुण सुखबीर सिंह ते सरदारनी साहब बाहर आउणगे, कहिंदा जी इह स्पीकर दा जिहड़ा कमरा है उहदा पिछे नूं भी खुलदा है, की पता है पार्लीमेंट दे विच आउण जां ना आउण। सो इस तरह सिख लीडर खिसकदे है कि इस नूं सामने तौर दे उत्ते चैलेंज नहीं करना चाहुंदे हैगे। जिवें चर्चिल ने दूजे जंग दुनिया दे विच कहा सीगा, वी विल फाइट ऑन द बीचेस, वी विल फाइट इन द माउंटनस, वी विल फाइट इन द स्ट्रीट्स। इस तरह मैं हिंदुत्वा नूं दसना चाहुंदा कि साडी स्टेट है नहीं, असीं हथियारबंद लड़ाई नहीं लड़ सकते, पर एक चीज़ मैं तुहानूं दस दवां कि असी हरेक घर दे विच, हरेक गली दे विच, हरेक सड़क दे उत्ते जिथे भी हैगे हैं असी हुण रजिस्ट करांगे कि तुसी बहुत कुछ कर लिया साडे उत्ते, इतों अगे तुहानूं असी नहीं चलन देणा। हुण तुसी सारे सिख कौम ते जिन्ने भी साडे साथी दूजियां कौमां दे हैं इहदी रजिस्टेंस शुरू कर दो कि असी बिल्कुल इहो जी सिखां दा कतलेआम नहीं होण देणा।